ऐसा कोच आप क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह इज़ ए सुपर ह्यूमन, ये थोड़ी चीज़ें चलती रहती हैं, निगल्स और ये सारा कुछ चलता है। पाकिस्तान इतना ज़्यादा दूर नहीं है, तो अगर भाई उधर से उनको बैकअप बुलाना होगा वो भी बुला सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की फजल से, और अल्लाह उसको बुरी नज़र से बचाए, अल्लाह उसको सेहत दे, तो अभी तक कोई ऐसी सिचुएशन आई नहीं है। तो पाकिस्तान भी इतना दूर नहीं है, अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो बुला सकते, तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे और उसको और हिम्मत दे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ये तो नोट किया गया इंडिया के खिलाफ मैच में जिस तरह उन्होंने मेन बॉलर्स पे हमारे अटैक किया नसीम पे और दूसरे जो हमारा अटैक था, उसके बाद आप लोगों की जब बैटिंग आती है तो आपने भी उनके जो मेन बॉलर था भुवनेश्वर उसके ऊपर अटैक किया, तो क्यों ये कोई उनको देख के आपने ये स्ट्रेटेजी बनाई थी, आपके भी देर में यही था कि उनका जो मेन बॉलर है उसको हमने अटैक किया? देखें एक तो स्ट्रेटेजी ऐसी होती है कि आप जो मेन प्लेयर होता है उसके ऊपर, चाहे वो बॉलर है या बैट्समैन, आप उसके ऊपर अटैक करते हैं, एंड यू नीड लॉट ऑफ करेज फॉर दैट एज वेल, क्योंकि जो मेन बॉलर या मेन बैट्समैन को आप तोड़ोगे तो कमर तोड़ सकते हो। तो आई थिंक इंडिया की स्ट्रेटजी बहुत क्लियर थी और बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ वो आए थे, बट हमारे फास्ट बॉलर्स ने बाद में बहुत अच्छा कमबैक भी किया और बहुत तगड़ी बॉलिंग की और विकेट्स जो थी वो लेते रहे, क्योंकि अपने एग्रेशन और अटैकिंग माइंडसेट के साथ गए, क्योंकि उन्होंने अटैक किया तो हम भी अटैक ही की तरफ जाते थे। और यहाँ पे मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि हमारे कैप्टन ने बहुत ही आला कप्तानी की और अटैकिंग माइंडसेट रखा, वहाँ से फार एंड से नवाज़ का बड़ा अच्छा ओवर हुआ, उसने उसको चेंज किया और वहाँ से हारिस रऊफ को लेके आया, उसने विकेट ली। इधर एंड से मेरा ख्याल है गालिबन शादाब थे, उनका अच्छा ओवर हुआ, उसको हटा के हार्दिक पांड्या आया हुआ था तो उसने हसनैन को लगाया और उसने उसकी भी विकेट ली। तो हमारा जो कैप्टन था उसको भी पता था कि अगर बैटिंग लाइनअप में इनके कोई बैट्समैन अच्छे चल रहे हैं अटैक कर रहे हैं, तो उसने भी अटैक ही रखा और अल्लाह के फजल से इन दोनों ने जो अटैकिंग माइंडसेट के साथ गए, जो रिक्वायरमेंट थी उसको पूरा किया। जाहिर है जब हमारी बैटिंग आई तो हमारा भी यही सोच थी, भुवनेश्वर कुमार की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी पिछले मैच में और ज़रूरत भी थी, और ना सिर्फ मैच की ज़रूरत थी बल्कि ओवरऑल ज़रूरत ये थी कि थोड़ा सा हैवी पंचेस किए जाते हैं, यानी उसके ऊपर भी अटैक किया जाता है। उसने स्टार्ट अच्छा लिया बट हम लोग मौके की ताक में थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि मैच जीता वो सारी चीज़ें, ये तो गेम का एक हिस्सा है, बट जिस तरीके से गालिबन 19वां ओवर था, सेकेंड लास्ट ओवर था और 19 रन पाकिस्तान ने अचीव किया, आई थिंक ये एक क्वेश्चन मार्क जो है वो आएगा उनकी बॉलिंग लाइनअप पे, और वो भी उनका जो मेन बॉलर, आई एम श्योर कि वो इसका कोई ना कोई सलूशन ढूंढेंगे, बट आई थिंक हमारे बैट्समैनों ने जो प्लान्स थे वो बड़े ही अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट किए। और जो आपका सवाल है कि भी अटैक के ऊपर अटैक, हमने भी ऐसा ही किया अल्लाह की फजल से और अल्लाह ने हमें इज्जत दी। एक